रावण का वध करना तुम्हारे बस में नहीं है वनवासी। विचित्र वरदान प्राप्त है इस असुर को। प्रभु के प्रत्येक वार पे ये विकराल और शक्तिशाली होता जा रहा है। स्वामी लंकेश की शक्ति बढ़ने के साथ साथ मेरे हृदय का कंपन भी बढ़ रहा है। न जाने क्या होने वाला है आज। पति कितना भी अधर्मी क्यों न हो, किंतु पत्नी सदैव पति के हित के लिए ही तत्पर रहती है। महारानी मंदोदरी भी लंकेश का मृत्यु बाण कभी नहीं देंगी। उस बाण को युक्ति से प्राप्त करना होगा। ये दासियां बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। ये युद्ध एवं ब्राह्मण की मृत्यु के अतिरिक्त अन्य कोई चिंता हो ही नहीं सकती इन्हें। कदाचित इनके वार्तालाप से ही उस मृत्यु बाण तक पहुंचने का कोई सूत्र प्राप्त हो जाए। जब से युद्ध आरंभ हुआ है मेरे पुत्र के विषय में भी कुछ ज्ञात नहीं हो सका। कौन जाने कि वो जीवित भी है या नहीं। मेरे भी दो पुत्र थे। युद्ध आरंभ होने के पश्चात उनके बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या होगा उनका। मुझे तो हम सबका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। सब भविष्य के लिए चिंतित हैं। तो विभीषण जी, इस समय वो मृत्यु बाण है कहाँ? भाभी मंदोदरी को इसके विषय में अवश्य ज्ञान होगा। रावण का मृत्यु बाण प्राप्त करने के लिए मैं उसके महल में जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रभु श्री राम के काज के लिए मुझे स्वांग रचना पड़ेगा। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, बम बम भोले। जोगी घर घर गाता जाए, सबका भाग्य बताता जाए। जोगी घर घर गाता जाए, सबका भाग्य बताता जाए। बम बम भोले, बम बम भोले। अरे देखो, कोई जोगी आ रहा है। बम बम भोले, बम बम भोले। हाँ, बड़े ही पहुँचे हुए जोगी लग रहे हैं ये। भूत भविष्य को देखे जोगी, जोगी से कुछ छुप ना पाए। आगे क्या है होने वाला, ये सब जोगी ही बतलाए। जोगी बाबा, क्या आप हम सबका भविष्य बता सकते हैं? अवश्य देवी। शनि की टेढ़ी दृष्टि हो या मंगल का कोई क्रीड़ा, या राहु केतु ने भाग्य में किया हो कोई झमेला, कल क्या है होने वाला, भाग्य कहाँ ले जाए, ये सब जोगी ही बतलाए। बम बम भोले, बम बम भोले। परंतु हम आपका विश्वास कैसे कर लें? क्या आप जो बताएंगे सत्य ही होगा? हर हर बम बम, हर हर बम बम। भाग्य का लेखा मिट ना पाए, पर हर ज्वर का होता उपाय। आ जाएंगे वो जिनकी प्रतीक्षा में आप व्याकुल हैं। शीघ्र ही युद्ध समाप्त होगा, लंका पुनः फलेगी फूलेगी। हर हर बम बम, हर हर बम बम। आपके दोनों पुत्र लौट आएंगे, बड़े होकर लंकेश की सेवा करेंगे। और आपका पुत्र भी लुप्त है ना? हाँ। आ जाएगा वो भी, वो महाज्ञानी बनेगा देवी, सबका मार्गदर्शन करेगा।
परंतु उससे लाभ क्या? जिस तरह लंका के सभी योद्धाओं का अंत हुआ, उनका भी अंत हो जाएगा। मुझे ज्ञात है देवी, इस भीषण युद्ध में आपको अपने परिजनों को खोना पड़ा है, किंतु जो होना था हो गया, जो बीत गई सो बात गई, जो होना है वो भी होगा, फिर आएगी प्रातः नहीं, फिर से होगी सुख की वर्षा, हर मन फिर खिल जाएगा, फिर पतझड़ का होगा अंत, एक नव वसंत फिर आएगा। बम बम भोले, बम बम भोले। लंका में परिवर्तन होगा, बदलेंगे लंकेश भी, भाग्य उदय होगा लंका का, बदलेगा परिवेश भी, भाग्य ने कैसे खेल रचाए, कोई इसको समझ ना पाए, किंतु कल क्या होने वाला ये बस जोगी ही बतलाए। बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर बम बम, हर हर बम बम। महारानी जी, महारानी जी, हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहूंगी महारानी जी। वो बाहर एक तेजस्वी ज्योतिषी आए हैं, श्रेष्ठ भविष्यवक्ता है वो, यदि आप कहे तो। उन्हें लंका के राज मंदिर में लेकर आओ। जो आज्ञा आपकी। वनवासी, बहुत प्रहार कर लिए तुमने अपने इन बाणों से और सब भी विफल हो गए। अब प्रहार मैं करूंगा, मेरा यह अस्त्र तुम्हें तुम्हारे काल के दर्शन करा देगा। लो! बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अब मुझे किसी प्रकार देवी मंदोदरी को बातों में उलझाकर मृत्यु बाण कहां रखा है ये ज्ञात करना होगा। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। ये जोगी कुछ परिचित से प्रतीत हो रहे हैं, ये कहीं तो देखा है मैंने इन्हें। क्या महारानी मंदोदरी ने मुझे पहचान लिया? यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं इनसे मिल भी चुकी हूँ, कहीं ये। प्रणाम महारानी। हर हर महादेव। महारानी जी, अवश्य ही आप और आपके पति देव बड़े ही शिव भक्त हैं। सत्य है ना? मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, आपको स्मरण है कुछ? अब क्या करूं, मिथ्या संभाषण में कर नहीं सकता और सत्य कहा तो अनर्थ हो जाएगा। बताइए ना ज्योतिषी महाराज जी, क्या मेरी आपसे पूर्व काल में भी भेंट हो चुकी है? महारानी जी, हर जोगी की यही कहानी, रमता जोगी बहता पानी, हिम क्षेत्र से लंका तक जोगी घट घट भ्रमण करे, किससे कहां भेंट हो जाए, कब किसको स्मरण रहे। आप भाग्य बांचते फिरते हैं, तो बताइए आपके अनुसार लंका के भाग्य में क्या होने वाला है? पूछना है लंका का भाग्य या लंकेश की चिंता सताए, जोगी बताए मन की बात, जोगी से कुछ छिप ना पाए। अतुलित युद्धवीर लंकेश महाभट्ट है महाबलवान, महाभक्त है महादेव के, वेद शास्त्र के हैं विद्वान, उस पर पतिव्रता हैं आप, आपके व्रत से वो हैं रक्षित, फिर क्यों भय से कांप रही हैं?
आपके स्वामी हैं सुरक्षित। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। अब ये चिंता तजिए देवी, उनकी चिंता तो है व्यर्थ, कोई उनको हरा न पाए। महाबली वो सर्वसमर्थ, सुख वैभव से फिर ये लंका सबकी प्रिय बन जाएगी। उज्जवल भविष्य है इस नगरी का, फिर समृद्धि आएगी। हर हर बम बम। किंतु यहां तो नहीं, किंतु ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ ज्योतिषी जी, कोई समस्या है क्या? हाँ देवी, एक तुच्छ सी आपदा है जो स्वयं लंकेश के आसपास डोल रही है। ये आपदा किसी देवता की ओर से या फिर कोई यक्ष बनेगा इसका कारण। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कहीं ये किसी नर की ओर से तो नहीं? हाँ, अभी तो जहां तक मेरा अनुमान है, ये आपदा किसी वानर की ओर से आ सकती है। तब तो अवश्य वो वानर हनुमान होगा। हाँ, बस उस वानर से सतर्क रहना होगा, वही संकट उत्पन्न कर सकता है लंकेश के लिए। किंतु हनुमान कैसा संकट उत्पन्न कर सकता है, देखकर बताइए ना। प्रतीत हो रहा है जैसे हनुमान किसी वस्तु को ढूंढने में लगा हुआ है। अनुमानतः उसे बाहर से लंका में लाया गया है। ऐसी वस्तु क्या हो सकती है? सोची देवी, कोई ऐसी वस्तु जिसे छुपाकर किसी गुप्त स्थान पर रखा गया हो, जो किसी के हाथ लग जाए तो लंकेश संकट में पड़ सकते हैं। मेरा ग्रंथ किसी अस्त्र की ओर इंगित कर रहा है। कोई बाण है क्या? कहीं मृत्यु का बाण तो नहीं? हाँ, वही होगा। अवश्य ही हनुमान मृत्यु के बाण को खोजने में लगा हुआ है। देवी, आप शीघ्र जाइए और सुरक्षित कीजिए उस बाण को। आप उचित कह रहे हैं ज्योतिषी जी, मैं अब उसे अपने नेत्रों के समक्ष ही रखूंगी। इतना तेज, महादेव की जैसी आभा, ये कोई साधारण ज्योतिषी नहीं है। कौन हो तुम? मुझे विश्वास है कि तुम ज्योतिषी का छद्मवेश धारण करके मेरे समक्ष आए हो। यदि अब तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने वास्तविक रूप को धारण कर लो। हनुमान, छद्म रूप धारण करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं देवी, किंतु
इस धर्म और अधर्म के युद्ध का अंत करने के लिए, लंका नगरी से पाप का साम्राज्य समाप्त करने के लिए, आपके समान ही पतिव्रता स्त्री माता सीता की अस्मिता की रक्षा करके उन्हें अपने पति को लौटाने के लिए मुझे ये स्वांग रचना पड़ा। उस एक मृत्यु बाण के बिना ये सब संभव नहीं है। देवी देवी, मुझ पर कृपा करके मुझे वो बाण प्रदान करें। नहीं, कदापि नहीं। किंतु देवी, बस इससे पूर्व कि मैं अपना संयम खो दूं, चले जाओ यहां से। देवी, मुझे क्षमा करें। उस बाण को लिए बिना मैं यहां से नहीं जा सकता। हनुमान, मैं शाप दे सकती हूं तुम्हें। एक पतिव्रता स्त्री के शाप में इतनी शक्ति होती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दे। शांत देवी, शांत। आपने पूर्व काल में मुझे एक वचन दिया था। जब ऋषिवर दुर्वासा ने लंकेश को क्षमा दान दिया था। देवी, स्मरण कीजिए। स्मरण रहे, रावण को जीवन दान हनुमान की विनती से प्राप्त हुआ है, अतः भविष्य में हनुमान के इस उपकार का प्रतिफल देना होगा। देवी, उसी वचन की पूर्ति के रूप में आप मुझे वो मृत्यु बाण प्रदान कीजिए। अन्यथा ये युद्ध अनवरत चलता रहेगा और तब न जाने कितना विध्वंस और होगा। कदाचित ये संपूर्ण लंका ही एक पतिव्रता स्त्री की मर्यादा की रक्षा करते हुए प्रभु के कोप की भेंट चढ़ जाए। एक स्त्री से उसके पति की मृत्यु का साधन मांग रहे हो तुम हनुमान? कोई पतिव्रता स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है? देवी, तो क्या आप अपना दिया हुआ वचन भंग कर देंगी? देवी, अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। मेरे लिए मेरे सत्य व्रत धर्म से बड़ा मेरा पतिव्रत धर्म, मेरा पतिव्रत धर्म, मेरा पतिव्रत धर्म, मेरा पतिव्रत धर्म। इसे निभाते हुए भले ही मेरा सत्य व्रत टूटे या कोई और वचन भंग हो, मंदोदरी ऐसा कदापि नहीं करेगी। क्षमा देवी, प्रभु श्री राम के कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित मैं अधिक उत्साह में आकर यह भुला बैठा था कि मैं एक पतिव्रता स्त्री से उसके पति की मृत्यु का साधन मांग रहा हूं। मैं समझ सकती हूँ हनुमान, अपने आराध्य के प्रति तुम्हारी अगाध निष्ठा के कारण ऐसा हुआ। आप धन्य हैं। माता सीता की भांति आप भी पतिव्रत धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। देवी, आपका सत्यव्रत धर्म आपके पतिव्रत धर्म के कारण टूट ना जाए, इसलिए मैं आपको वचन से मुक्त करता हूं। मंदोदरी सदा पतिव्रत धारी और कपि सत्यव्रत अनुचारी, प्राप्त वचन अंजनी सुतवारी, अबला कृतज्ञ भैया भारी। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम, सिया राम
मत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बिना मृत्यु बाण के तो रावण का अंत असंभव है। प्रभु कैसे इस युद्ध को समाप्त कर पाएंगे? कोई मेरा पीछा कर रहा है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है जो अदृश्य होकर मेरा पीछा करने का दुस्साहस कर रहा है? बार बार पीछे मुड़कर मत देखो, मैं इस समय मृत्यु काल रूप में हूँ। इस रूप के दर्शन मनुष्य को मात्र उनके अंतिम समय में ही दिखाई देते हैं। इस रूप के दर्शन का अर्थ है मृत्यु के मुख में चले जाना। अच्छा, आप यमराज जी हैं, मृत्यु के देवता? हाँ हनुमान, मैं यमराज ही हूँ। जब यमराज जी स्वयं यहाँ पर हैं, तो अब मुझे रावण की मृत्यु बाण प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। पतिव्रता धर्म ही नारी की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके समक्ष बड़े से बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो जाते हैं।